आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी कांजी वड़ा की रेसिपी। होली और दीपावली पर स्पेशली ये वड़ा बनाया जाता है। त्योहारों पर अक्सर हम हैवी खाना खा लेते हैं, तो उसके पाचन में भी ये बहुत ही अच्छा होता है और खाने में सुपर टेस्टी लगता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं कांजी वड़ा। कांजी वड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है। ग्राम में ये 200 ग्राम है। इसे हम दो से तीन बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे और तीन से चार घंटे भिगाने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने करीब चार घंटे के लिए दाल को भिगा दिया है। अब हम इसे एक चलनी में निकाल लेंगे और इसका सारा पानी हम हटा देंगे। अब हम दाल को मिक्सर के जार में डाल देंगे। हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। यहाँ मैं दो कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च की मात्रा आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही मैंने एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हम इसे दरदरा पीसेंगे, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कॉटन कपड़ा लेंगे, उसमें ये दाल डाल देंगे। मैंने चलनी पे कॉटन कपड़ा रखा है और नीचे एक पतीला रखा हुआ है। इसे हम करीबन एक डेढ़ घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हो। मैंने दो घंटे के लिए रखा था। अब हम दाल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मसाले मिलाएंगे। इसमें मैं आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिला रही हूँ। साथ ही इसमें आधा चम्मच, ये देखिए, साबुत धनिया है जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। 1/4 चम्मच दरदरी सौंफ, दो पिंच हींग ऐड करेंगे। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ आधा चम्मच के करीब नमक मिला रही हूँ। अब हम मसालों को अच्छे से दाल में मिक्स कर लेंगे और अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें दो चम्मच गेहूं का आटा मिलाएंगे। आटा मिलाने से वड़े सॉफ्ट भी बनते हैं और इन्हें अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाती है, इसके लिए आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमने यहाँ एक टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। अच्छे से हमने इसको गर्म कर लिया है। इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम वड़े के मिक्सचर में इसे डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, सरसों का तेल ही यूज़ कीजिएगा इसके लिए। अब हम चम्मच की सहायता से तेल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें दो टेबल स्पून फ्रेश धनिया डालेंगे और हाथों की सहायता से इसे मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, हमारे वड़े का घोल तैयार हो चुका है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वड़ा का घोल बिल्कुल तैयार है, इसके लिए पहले हाथ को अच्छे से धो लीजिए। और देखिए, हाथों में हम इसे लेते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखिए, इसका मतलब हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। अब हम वड़े बनाएंगे। इसके लिए एक कटोरी लीजिए, उस पर ये कॉटन कपड़ा लगाइए। देखिए, इस तरह से मैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बना रही हूँ, जैसे पहले बनाया जाता था। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और ये कपड़े को अच्छे से थोड़ा गीला कर लेंगे। और अब हम ये घोल कपड़े पे इस तरह से रखेंगे और इसे वड़े का शेप देंगे। ये देखिए, हमारा एक वड़ा तैयार है। एक तरफ हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल को अच्छा गर्म कर लीजिए और मीडियम फ्लेम करके एक एक करके ये वड़े इसमें डाल दीजिए। आप घर में एक जन की और सहायता ले सकते हैं, जिससे आपको वड़ा बनाना आसान हो जाएगा। ये देखिए, जब एक जन वड़ा तेल में डालता रहे तो एक जन उसको इस तरह से अलट पलट करता रहे। और इन वड़ों को हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि वड़े एकदम गोल गप्पे की तरह फूल चुके हैं। और ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म वड़े तैयार है। इसी तरह हम सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, 15 से 16 वड़े बनकर तैयार हुए हैं इतने बैटर में। पहले हम इसे सादा पानी में डाल देते हैं। वड़ों को सादा पानी में डालने से इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इस पानी में आ जाएगा। तो इन्हें अच्छे से डिप कर दीजिए। इसके लिए हम छोटी प्लेट रखेंगे ताकि वड़े पानी में डूबे रहें। फिर हम बड़ी प्लेट रख देंगे। आधा घंटा के लिए हम इसे सादा पानी में रखेंगे। तो चलिए, एक तरफ कांजी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.25 लीटर पानी लिया है। ये देखिए, ये बारीक वाली राई इस तरह की होती है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि राई किस तरह की होती है। इसे पीसकर हम पानी में डालेंगे।
तो मैं ये पीस के रखती हूँ पहले से ही। तो मैंने एक चम्मच भर के राई का पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। नमक को आप टेस्ट करके देख लीजिए पानी को, आपको कम लगे तो और ऐड कर दीजिएगा। तो ये लीजिए, हमारी कांजी रेडी हो चुकी है। हमें वड़ों को सादा पानी में रखे हुए आधा घंटा हो गया है, तो हम इन्हें इस पानी में से निकाल लेंगे। इसके लिए हम इन्हें दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से निचोड़कर फिर कांजी में डाल देंगे। हमने सारे वड़े कांजी में डाल दिए हैं, ये देखिए। और अब हम इसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए एक कटोरी रखिए इस पर। मैंने एक कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया था, वो इसमें रख देते हैं। अब हम इसमें दो पिंच हींग डालेंगे। हींग मैंने पानी में ऐड नहीं किया है। और अब हम इस पर एक चम्मच तेल डाल देंगे, ये देखिए। और अब हम इसे फटाफट से ढक देते हैं और इस पर एक वज़न रख देंगे। और हम इसे 15 मिनट के बाद रिमूव कर देंगे। इस कटोरी को हम हटा देंगे। हम कांजी वड़ा को 24 घंटे के लिए ढका रहने देंगे। फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रखा रहने दीजिए। इसमें अच्छा सा फर्मेंटेशन हो जाएगा। ये देखिए, हमें 24 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा फर्मेंटेशन आ गया है, ये देखिए। और बहुत ही अच्छी खट्टी खुशबू आ रही है। और हमारे कांजी वड़ा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। जब 24 घंटे हो जाएं, तब इन्हें फ्रिज में रख दीजिएगा। ठंडा कांजी वड़ा खाने में और भी अच्छा लगता है। ये देखिए, हम कांजी वड़ा को ऐसे सर्व करेंगे। इस पर हम थोड़ा सा काला नमक लगाएंगे, भुने हुए जीरे का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। ये लीजिए, हमारा कांजी वड़ा तैयार है। एकदम सॉफ्ट कांजी वड़ा बनकर तैयार हुआ है। इसका पानी तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।